किशनगंज जिले के पोटिया प्रखंड क्षेत्र में बीते 5 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर आक्रोशित लोगों ने पोटिया चौक पर ठाकुरगंज इस्लामपुर मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। नतीजा करीबन 5 घंटे तक आवागमन बाधित रही। जिला परिषद सदस्य निरंजन राय और पूर्व प्रखंड प्रमुख जाकिर हुसैन के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों ने सरकार से बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने और बिजली विभाग के अधिकारियों का तबादला करने की मांग की। मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मास्टर इनामुल, CPIM के जिला सचिव अबुल कलाम आजाद सहित हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली की समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग की। वाले की यहाँ 5-5 रुपया देके बच्चे लोग जलस करा रहे हैं, स्टूडेंट्स लोग कहाँ पाएंगे उनके गार्जियन उतने पैसे जो देंगे। तो सरकार कान में तेल में तेल तिल के सोए हुए हैं। कल से सिर्फ व्हाट्सएप पे खाली हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है, अब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन 6 दिन गुजर गया, जस का तस वही हाल है। इसीलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर हैं। और जब वज्रपात होने के कारण पिछले 3 दिन से बिजली बाधित रही है, 3 दिन से लगातार वज्रपात हुआ है, उसका समाधान कर लिया गया है। दिन रात मेहनत करके बिजली विभाग, आपदा की स्थिति थी जिसका समाधान सारे लोगों के द्वारा, बिजली मजदूरों के द्वारा मिलकर कर लिया गया है। अब बिजली की व्यवस्था सुचारू ढंग से की जा रही है और लगभग कर दी। डिस्ट्रिक्ट में जो बिजली विभाग ने जिस टीम को यहाँ तैनात किया है, आज 5 साल या 10 साल से इस तरह का लचर व्यवस्था कभी नहीं हुआ, 6 दिन तक लाइट। सबसे बड़ी अगर कमी है जो टीम अभी काम कर रही है, चाहे बिजली विभाग का SD हो ठाकुरगंज का, चाहे JE हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, ये पूरा टीम कोई काम नहीं जानता है। आज SDO को ले लीजिए, बिजली विभाग का जो SDO है उनको कोई भी फोन लगाइए, वो कोई फोन किसी का रिसीव नहीं करता है। भले एग्जीक्यूटिव जवाब दे देता है लेकिन SDO कुछ नहीं बोलता है। ये कारण है कि SDO को सबसे पहले हटाया जाए, JE को हटाया जाए, जो काम करने वाला ऑफिसर है उनको यहाँ दिया जाए। हमारे यहाँ